सर्विलांस सेल और क्राइम ब्रांच की टीम की मदद से एसपी क्राइम आलोक शर्मा द्वारा सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में 14 लोगों को उनका गायब मोबाइल वापस दिलाया। गोरखपुर की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए उन लोगों के गायब मोबाइल को सर्विलांस के जरिए ढूंढ निकाला और पुलिस लाइन्स के सभागार में एसपी क्राइम आलोक शर्मा और सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने इस लोगों को इनका मोबाइल इन्हीं सुपुर्द कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम आलोक शर्मा ने बताया कि सर्विस लांस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मोबाइल को ढूंढ निकाला है और जिसकी मोबाइल है उन्हें सौंपी गई है। वही मोबाइल मिलने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोबाइल पाने वालों ने बताया मोबाइल मिल गया अब आपका पुलिस का कैसा लग रहा है आपको रोड अब मुझे विश्वास नहीं था आपको विश्वास था कि हमारी टीम खोज निकालेगी आप ही का फोन है जी सर जितने टीम मेंबर है सब मिलाए बाकी 99 में पुलिस रिकवर करती है चीजें करती है क्राइम वो गुमशुदा या खोए हुए मोबाइल हैं इनमें जो कंप्लेंट्स आती हैं या सूचनाएं आती हैं कि हमारा मोबाइल खो गया है तो उसमें जो जनपद की सर्विलेंस टीम है जो सीओ क्राइम साहब के नेतृत्व में और सर्विलेंस प्रभारी राजेंद्र सिंह के अधीन कार्य कर रही है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के क्रम में लगातार हमारी टीम लगी रहती है और इसी क्रम में जो खोए हुए मोबाइल हैं वो 14 मोबाइल हमारी सर्विलेंस टीम ने अथक प्रयासों से बरामद किए हैं जिन्हें आज हम आपके समक्ष मौजूद हैं मोबाइल और उन मोबाइल के जो रियल ओनर हैं जिनका वो मोबाइल गुम हो गया था उन्हें सुपुर्द किया जा रहा है। कहाँ से आए? सहजनवा पाली जी सर हमारे घर से और ये 28 मार्च को गायब हुआ था एसएसपी साहब के यहाँ हाँ आज मिला यहाँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने हमारे पुलिस विभाग इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दे करके हम लोगों का यह मोबाइल बहुत परेशान 3 दिन हम लोग हमारे घर में खाना नहीं बनाता बच्चों के नाते क्योंकि बच्चे उसके लिए लालायित थे और आज इसको पा के बहुत खुश होंगे हमारे बच्चे। क्या नाम आपका? सलोनी प्रजापति बक्सीपुर कुमार टोले से। कब गायब हुआ था? 10 फरवरी जी सर। एप्लीकेशन देते हैं जी सर? सर एप्लीकेशन कहाँ देते हैं? थाना कोतवाली। कोतवाली जी सर। वही सेट है जी सर। गायब हुआ जी सर? सर फोन मिलने की बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू।